अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थ्योरी ऑफ रिंग का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि शो दैट 1 - AB इज़ इन्वर्टिबल इन अ रिंग विद 1, देन सो इज़ 1 - BA। हमने शो करवाना है कि अगर हमारे पास 1 - AB यूनिट है रिंग में विद 1, देन हमारे पास जो 1 - BA वो भी हमारे पास क्या इन्वर्टिबल होगा रिंग में विद 1। तो टू में सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि 1 - AB इज़ लेफ्ट इन्वर्टिबल, मीन्स कि हमारे पास जो 1 - AB वो हमारे पास लेफ्ट यूनिट है। सो देयर इज़ एन एलिमेंट सी सच दैट सी मल्टीपल लाए 1 - AB इक्वल है 1। जब हम जी को अंडर मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट के, तो हमारे पास आएगा z - CAB इक्वल है 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z AB इक्वल है z - 1। हमने सिंपली क्या किया है, z AB को हम राइट साइड पे ले आए हैं, और जब 1 हमारे पास राइट साइड पे था उसे हम लेफ्ट साइड में ले गए हैं। तो सिंपली हमारे पास आ गया है z AB इक्वल है z - 1। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑन राइट बाय a, यानी हमारे पास जो ये इक्वेशन है z AB इक्वल है z - 1, यहाँ पे हमने राइट साइड पे a को मल्टीप्लाई करवा देना है वो साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा z AB a इक्वल है ब्रैकेट z - 1 मल्टीप्लाई a। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम जो हमारे पास यहाँ राइट साइड पे a है, जब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा z AB a इक्वल है z a - a। दिस इम्प्लाइज जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम -a को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज a प्लस z AB a इक्वल है z a। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, z वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेना है, यानी हम z AB a को राइट साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल है z a - z AB a। अब क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज में z a सेम आ रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a इक्वल टू z a को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - BA। यहाँ पे हमारे पास a को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करने का मकसद ही यही था कि हमें 1 - BA की फॉर्म मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ़्ट साइड पे बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले हमने क्या किया, राइट साइड पे ए को मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड पे, अब हम क्या करेंगे, बी को लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा BA इक्वल है BZA मल्टीप्लाई 1 - BA। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 1 - साइड पे ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - BA इक्वल है 1 - BZA मल्टीप्लाई 1 - BA। अब हम क्या करेंगे, 1 को यहीं रहने देंगे, और ये हमारे पास जो टर्म है -BZA मल्टीप्लाई 1 - BA, उसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा 1 - BA प्लस BZA मल्टीप्लाई 1 - BA इक्वल है 1। अब 1 - BA हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के साथ आया, तो हम सिंपली 1 - BA कॉमन ले लेंगे, तो सिंपली हमारे पास यहाँ से जब हमने 1 - BA कॉमन लिया तो हमारे पास 1 आ गया, और जब हमने सेकंड एलिमेंट में से 1 - BA कॉमन लिया तो हमारे पास सिंपली आ गया BZA इक्वल है 1, मीन्स कि हमारे पास जो 1 + BZA वो हमारे पास राइट इन्वर्स है 1 - BA का। और हम ये सपोज करके चले थे कि हमारे पास जो 1 - AB वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट इन्वर्टिबल है, यानी लेफ्ट यूनिट है, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास मल्टीपल होगा यहाँ। लेकिन यहाँ पे हमने शो करवा दिया कि हमारे पास जो 1 + BZA वो हमारे पास राइट इन्वर्स है 1 - BA का। तो बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, इफ़ 1 - AB हैज़ 2-साइडेड इन्वर्स, सो डज 1 - BA, मीन्स कि अगर हमारे पास 1 - AB 2-साइडेड इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमारे पास जो 1 - BA वो भी हमारे पास 2-साइडेड इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मीन्स कि हमारे पास अगर 1 AB यूनिट है, तो देन हमारे पास जो 1 - BA है वो भी हमारे पास क्या होगा, यूनिट। और यही चीज़ हमने शो करवानी थी। आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।